आइए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बीस्ट में फिर से आपका स्वागत है। मैं आपको आज इलेक्ट्रॉनिक चोक चेक करने की बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक चोक है, इसको टेस्ट कैसे करते हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा और मेरी मेरी वीडियो पूरी तरह देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास दो इलेक्ट्रॉनिक चोक है। इलेक्ट्रॉनिक चोक से चार लीड आउटपुट होती है और दो इनपुट यानी सप्लाई होती है। ये ब्लैक और रेड कलर के जो वायर दिख रहे हैं, ये मेन सप्लाई है, और ये दो वाइट और दो ग्रे कलर का वायर जो दिख रहे हैं, तो दो वायर एक ट्यूबलाइट की तरफ और दो वायर ट्यूबलाइट के दूसरी तरफ जाता है। ये 40 वाट, 36 वाट, 18 वाट और 20 वाट ट्यूबलाइट को जलाने का काम करती है। ये नहीं रहेगी तो ट्यूबलाइट फ्यूज हो जाती है। इसलिए इसको इसको आज कैसे टेस्ट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टेस्ट करने के लिए ये जो ट्यूबलाइट की तरफ जाने वाली वायर जो होती है, दो वाइट और दो ग्रे, इस दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर लीजिए। इस दोनों वायर को आपस में शॉर्ट कर लीजिए, वाइट वाले को भी शॉर्ट कीजिए। दोनों कलर जो भी हो, जो ट्यूबलाइट की तरफ जाती होगी उस वायर को शॉर्ट करना है। जो दोनों साइड ट्यूबलाइट के एक साइड ये जाती है, एक साइड ये, इन दोनों वायरों को आपस में शॉर्ट कर लीजिए। और इसको टेस्ट करने के लिए सीरीज टेस्टिंग लैंप होना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे सामने ये पड़ी हुई है सीरीज टेस्टिंग लैंप, सीरीज टेस्टिंग लैंप कैसे बनता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको समझना है, देखना है, तो आई बटन दबाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको मैं टेस्ट करता हूँ। आउटपुट वाले दोनों वायरों को मैंने शॉर्ट कर दिया है एक दूसरे से, और ये इनपुट है यानी 220 वोल्ट की सप्लाई इसमें दिया जाता है। लेकिन इसको टेस्ट करने के लिए सीरीज बोर्ड से ही टेस्ट किया जाता है। ये मैंने सीरीज बोर्ड में अपना प्लग लगा दिया और दोनों तार को आपस में शॉर्ट कर रहा हूँ। मेरा सीरीज बोर्ड ऑपरेट कर रहा है यानी ओके है। अब मैं इस दोनों वायर को चोक के इनपुट में सटाऊँगा। देखिए, बिल्कुल नहीं, बल्ब की तरफ से कोई संकेत नहीं आ रहा है। अगर चोक सही रहती तो बल्ब धीमी गति से जलती, बिल्कुल 20% जलती वो बल्ब। ऐसे सटाने में 100% जल रही है, लेकिन अगर चोक सही रहता तो ये 20% जलता। और ये दोस्तों, ये चोक तो बिल्कुल ख़राब है। अब इसको मैंने अलग रख दिया। और मेरे पास ये दूसरी चोक है, इसमें भी वही वायर निकले हुए हैं, चार वायर आउटपुट के लिए, वाइट दो और दो ग्रे कलर का। इसको भी जो आउटपुट वाली वायर है जो ट्यूबलाइट के दोनों सोरे में जाते हैं, उसको आपस में शॉर्ट कर दिए। ग्रे ग्रे को शॉर्ट कर दिए, वाइट वाइट को शॉर्ट कर दिए। और इसको भी, ये इनपुट जो वायर है ब्लैक और रेड कलर की, इसमें सप्लाई देंगे, टेस्टिंग लैंप का ही सप्लाई देंगे, सीरीज का ही। डायरेक्ट सप्लाई नहीं देना है टेस्ट करने के लिए। अब इसको सीरीज का सप्लाई देंगे। देखिए सीरीज ओके है। अब इसको सीरीज का सप्लाई देंगे इसमें। देखिए दोस्तों, बल्ब एकदम धीमी गति से जल रही है, एकदम स्लो जल रही है, यानी 20% लमसम जल रही है। इसका मतलब हुआ चोक बिल्कुल ठीक है। बल्ब अगर पूरा तेज जलती है 100% इसको चेक करते समय, तो भी चोक को ख़राब माना जाता है। और बल्ब नहीं जलेगी फिर भी चोक ख़राब है, और बल्ब ब्लिंक करेगी यानी अप डाउन करेगी फिर भी चोक को ख़राब माना जाता है। तो ये रहा चोक चेक करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।